उत्तर प्रदेश की जमीन पर 100 से ज्यादा मुकदमों में आरोपी एक माफिया अब ताम्र जेल की सलाखों के पीछे रहेगा। मुख्यमंत्री जी इन्हें खत्म करें और मैं फांसी की ही मांग करूंगी उनसे। कोई भी माफिया और उसके द्वारा स्थापित आर्थिक साम्राज्य को हम पूरी तरीके से ध्वस्त करेंगे। आने वाले समय में और भी इस तरह के दुर्दांत माफियाओं के विरुद्ध हमारी कार्रवाई अनवरत जारी रहे। सरकार शुचिता के साथ, पारदर्शिता के साथ एक एक अपराधी के खिलाफ कड़ी पैरवी कर रही है और उन्हें कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है तो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने बीजेपी और अतीक के कनेक्शन पर ही सवाल उठा दिए। ये जांचना चाहिए जेल में रह करके उनसे पर्चा भरवाने के लिए चुनाव में कौन कौन से अधिकारी, कौन कौन से भारतीय जनता पार्टी के नेता मिले रहे। वही बीजेपी कह रही है अतीक कभी एसपी के टिकट पर ही विधायक और सांसद रहा, समाजवादी पार्टी के राज में ही अतीक पर अपहरण और हत्या का आरोप लगा।